हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने करेंट फीलिंग्स का वीडियो लेके आया हूं। जी हाँ, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं, उसका नेक्स्ट एक्शन क्या है, आप दोनों का एनर्जी कैसा है और आपका फ्यूचर कैसा दिख रहा है अभी। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है और ये रीडिंग को अभी भी आप एंजॉय कर सकते हो, बाद में भी जब देखोगे तब भी आप एंजॉय कर सकते हो। अगर आप लड़की हो लड़के हो, कोई भी कम्युनिटी से तो हो, अगर ये रीडिंग देख रहे हो तो ये आपके लिए ही है। जनरल रीडिंग है, जो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करेंगे वही चीजों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिएगा। एंड जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और टैग यूज कीजिए टैरोट अनिर्बान। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कीजिए, वहां पे मैं डेली रील्स अपलोड करता हूँ सुबह एंड रात को। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अभी मैं पहले देखूंगा आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। सेवन ऑफ शोर्ड्स आ गया, उस में देखता हूँ और क्या क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पे आया है टेन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आया है हाई प्रिस्ट एंड यहाँ पे आया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो जरूर मैं आपको बोल सकता हूं आपके पार्टनर कोई चीज को छुपा रहे हैं आपसे। इसको कुछ एक्सपेक्टेशन है, यानी कि ये अपने फीलिंग्स को लेके कंफ्यूज्ड है, ये आपके करीब आना चाहते हैं बट इसको ये आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे। इसको लग रहा है कि ये आपको कुछ ज्यादा नहीं प्यार कर पा रहा है, या फिर आप जैसे इनको चाहते हो, आप जैसे इनके सामने ओपन अप होते हो, आप जैसे इनके सामने इजी हो जाते हो, ये आपको लेके इतना इजी नहीं हो पा रहे। हालांकि इनको पता है कि आप इनको प्यार करते हो, आप लॉयल हो, बट ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अक्सर इनको लगता है कि ये कैद खाने में है, अक्सर इनको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा टफ हो रहा है इनका लाइफस्टाइल, क्योंकि ये एक फ्री बर्ड थे तो ये कभी भी कमिटमेंट के घेरे में नहीं आना चाहता था, बट अभी कमिटेड ये है या फिर होने की कोशिश कर रहे हैं। इसको अक्सर आप इसके एक्स या फिर इसका कोई ऐसे चाहने वाले इसको मैसेज या टेक्स्ट किए हैं, तो इसको लेके ये बहुत कंफ्यूज है। जो पर्सन इसको टेक्स्ट किए हैं, ये पर्सन इसको सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए ही टेक्स्ट किए हैं, तो इस टेक्स्ट को देख के वो घबरा भी गया है, ये चीज को आपके सामने वो नहीं भी बोल पा रहे, बट अंदर ही अंदर इसको पता है कि आपको इसको कमिटमेंट देना है, तो ये आपके खिलवाड़ आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कुछ कुछ ऐसे इमोशनल प्रेशर क्रिएट कर रहे थर्ड पार्टी इस टाइम पे, और उस इमोशनल प्रेशर के सामने आपके पर्सन बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं बट अभी भी इसके ऊपर थर्ड पार्टी का असर है, इसके फैमिली के प्रेशर इसके ऊपर है, तो इसीलिए फैमिली वाले इसको बोल रहे हैं शादी के लिए, इसीलिए भी ये थोड़ा सा टेंस्ड है। ये चाहते हैं आपके साथ मिलना, आपके साथ आगे बढ़ना, बट इसका काम बहुत ज्यादा है और पैसा या फिर कैरियर के ऊपर ज्यादा फोकस जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आज देख सकता हूँ कि फैमिली का प्रेशर के वजह से ये आगे नहीं आ पा रहा है। हो सकता है ये आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, या फिर देने के लिए बोला था बट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर शादी का डेट नहीं दे पा रहे, या फिर इसको पता नहीं कि आपके उनके फैमिली वाले आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, बट दिल से ये चाहते हैं कि आपके साथ वो रहे, दिल से ये चाहते हैं आपके साथ वो आगे बढ़े, दिल से वो चाहते हैं आपके साथ एक फ्यूचर बनाए। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आपके पार्टनर फिनेंशियली बहुत वीक हो रहा है, या फिर हो सकता है कि फिनेंशियली उसको थोड़ा सा लॉस हुआ है, तो फिनेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करे, बहुत काम करे, डबल शिफ्ट पे काम करे, या फिर हो सकता है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करे। बट मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सेंशुअस हो जा रहे, आप को साथ सेक्सुअली कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए कि आप लोग फिजिकल इंटीमेसी में नहीं गए हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बिहेव नहीं किए हो क्योंकि ऑन एंड ऑफ चल रहा था, तो आज ये बहुत ज्यादा सेक्सुअल मैं देख सकता हूँ हो रहे, पैशनेट हो रहे, और इसके दिमाग में आपकी फिजिकल ब्यूटी का चर्चा हो रहा है। मैं देख सकता हूँ कि ये अपने फ्रेंड्स के साथ आपकी ब्यूटी के बारे में बोल रहे थे, हो सकता है किसी के साथ, कोई कॉमन फ्रेंड के साथ ये आपके बारे में कुछ शेयर कर रहे, या फिर आपका डीपेस्ट सीक्रेट्स के बारे में ये आज काइंड ऑफ
सोच रहे थे कि आप अपना सीक्रेट्स बोलते हो बट ये अपना सीक्रेट्स छुपाते हैं। आप अपने सारे दिन में क्या क्या होता है या फिर क्या आपके सोच है सब कुछ शेयर करते हो, बट ये इतना आसान नहीं हो पाते, ये इतना ओपन अप नहीं हो पाते। तो ये आज सोच रहे हैं कि कैसे आपके साथ कम्युनिकेशंस को आगे बढ़ाया जाए, कैसे आपके साथ ओपन अप वो हो सकते हैं, कैसे आपको उनका दिल का जो सीक्रेट बात है ये बोलेंगे, ये सब इनके दिल में चल रहे हैं। ये बहुत कुछ चीजें सोच रहे हैं बट कैसे ये सब चीज को लेके आगे बढ़ेंगे, ये इसको लेके बहुत उलझन में है। इसको अभी भी इसके या तो फिर मम्मी या फिर इसके घर वालों के टेंशन है और ये चीज को ये आपके साथ छुपा रहे, ये घर वालों का टेंशन आपके सामने नहीं लेके आ रहे क्योंकि इसको पता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके मैनिफेस्टेशंस का पावर बहुत तगड़ा है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये आपके ऊपर विश्वास करते हैं और ये भी इसको विश्वास है कि खुद कुछ ना कुछ मैनेज कर पाएंगे, बट अभी टाइम बहुत खराब चल रहा है इनके हिसाब से। इनके वर्क प्लेस पे कुछ हुआ है या फिर इसके पर्सनल लाइफ पे कुछ हुआ है तो इसीलिए, या फिर इसको बहुत ज्यादा या कॉस्ट काइंड ऑफ पे किए कुछ चीज को लेके, कुछ चीज के लिए इसके कारण बहुत ज्यादा इसका माइंड फ्रस्ट्रेटेड है। बट पॉजिटिव में नहीं बोलूंगा, नेगेटिव भी नहीं बोलूंगा, एक इन द मिडिल सिचुएशन में है जहां पे ये बहुत अच्छे भी नहीं है बहुत बुरे भी नहीं है। चलिए देख लेता हूं कि आप दोनों का एनर्जी कैसा है अभी। देखो हार्मिक, मेरे ख्याल से आप क्लूलेस हो क्योंकि जरूर मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं किया है। तो हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हो जो आपको अवॉइड कर रहे, इग्नोर कर रहे, जो इमोशनली अवेलेबल नहीं है, जो आपके साथ बुरे तरीके से बर्ताव कर रहे, जो आपको ब्लॉक करके रखा है। तो एक पर्सन के आइडिया ही नहीं, आपके वो उसका एक्शंस के ऊपर आपका कोई आइडिया ही नहीं, आप अपना स्पिरिचुअल नॉलेज को इस्तेमाल कर रहे हो टैरो रीडिंग से या फिर पता कर रहे हो या फिर अपनी इंट्यूशन से पता कर रहे हो या फिर आपको ड्रीम्स दिख रहा है, रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहा है, बट मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि स्पिरिचुअली आप खुद को आगे लेके जा रहे हो बिकॉज आप उसके साथ डिस्कनेक्टेड फील करते हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि बहुत ज्यादा कोई स्पिरिचुअल फ्रेंड्स के साथ आप कुछ डिस्कस किए हो या फिर कोई फ्रेंड के साथ आप डिस्कस कर रहे हो कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है या फिर कैसे लाइफ को लेके आप आगे जा सकते हो, बट अभी मैं देख सकता हूँ कि आपको टुगेदरनेस महसूस नहीं हो पा रहे क्योंकि आप और आपके पार्टनर इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो। हो सकता है कि आप दोनों सेम जेंडर के कपल हो या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर एक मैरिड पर्सन है और इस थर्ड पार्टी भी अवेलेबल है और आप चाहते हो आपके पार्टनर आपको लॉयल्टी दे थर्ड पार्टी को छोड़ के, बट हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव मैसेजेस नहीं मिल रहा है आपको। उसके बाद नाइट ऑफ शोर्ड्स, तो डेफिनेटली कमिटमेंट इशू हो रहा है, आपके पार्टनर ऑन एंड ऑफ कर रहे, बात आगे बढ़ा नहीं रहे, आपके पार्टनर हमेशा बात को बदल दे रहे और आपको सॉरी बोलना पड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत रूड बिहेव किए हैं, हो सकता है ब्लॉक किया है या फिर बातें ही नहीं कर रहे, येस नो पे बात कर रहे। मैं यहाँ पे साफ साफ बोल सकता हूँ कि ये फिजिकल इंटीमेसी के लिए आपके साथ आए थे या फिर रिसेंटली आप मीट किए हो, उसके बाद जैसे चला गया, ना कोई मैसेज किया ना कोई कॉल किया, तो आप परेशान हो कि क्यों ये ऐसा कर रहा है। हो सकता है ये स्टेटस अपलोड कर रहे, बहुत खुश है, फ्रेंड्स के साथ है या फिर कहीं पे गए हैं, बट आपको जरा सा बोल के भी नहीं गए हैं या फिर बहुत बिजी है तो ये बात ही नहीं कर पा रहे हैं और आप काइंड ऑफ परेशान हो रहे हो इनके बर्ताव से क्योंकि आपको हमेशा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी चीज को और ये एक्सपेक्टेशंस पे काइंड ऑफ एकदम मिट्टी मिल रहे हैं आपको क्योंकि कुछ भी चीज नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने काम को लेके बहुत फोकस कर रहे हो, अपने खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो क्योंकि अभी आपके सामने कोई ऑप्शंस नहीं है तो इसलिए करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग रिकन्सिलिएशंस के लिए वेट कर रहे हो, हो सकता है कि कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हो और आप कंप्लीटली ईश्वर के भरोसे में, अल्लाह के भरोसे में सब कुछ छोड़ दे रहे हो क्योंकि अभी आप सरेंडर करना सीख रहे हो, या फिर फैमिली के कोई बुजुर्ग पर्सन के साथ आप शेयर किए हो कुछ चीज, या फिर ऐसा हो सकता है आप अपने डैड से परमिशंस मांग रहे हो या फिर फैमिली से परमिशंस मांग रहे हो, या फिर हो सकता है कि कुलगुरु का आशीर्वाद मिला है, कोई रीडिंग मिला है, या फिर होपफुल हुए हो या फिर स्पेल किए हो या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, दोनों ही, तो कुछ काम हो रहा है यहाँ पे, असर दिख रहा है स्पेल का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मैनिफेस्टेशन का। यहाँ पे थ्री ऑफ शोर्ड्स, बहुत ज्यादा दिल टूट रहा है आपका, बहुत अकेले महसूस कर रहे हो। मेरे ख्याल से आप पार्टनर को नहीं बोल रहे हो कि आप कितना ज्यादा सैड हो,
बट आपको पता है कि आप जैसे ही उसको बोलेंगे देखिए कैंडल बुझ गया है, शायद रिलेशनशिप नहीं जम जाएगा, बट यहाँ पे कैंडल का फ्लेम बहुत स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि अभी शायद आप बहुत सैड हो, इसीलिए सैड हो क्योंकि आपके पर्सन जरा सा भी आपको देखे नहीं, आपका मैसेज सीन नहीं किया, और मेरे ख्याल से सेपरेशन से गुजर रहे हो तो इसीलिए बहुत सैड हो, या फिर झगड़ा हुआ है इसीलिए सैड हो। तो मैं देख रहा हूँ कि आप कमिटमेंट का एक्सपेक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेशंस का एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट वो नहीं हो पा रहा है तो इसीलिए बहुत सैड हो। अभी देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मून, देखो आपके पार्टनर सीक्रेटली आपको फॉलो कर रहे हैं, सिचुएशन जितना बुरा है उतना बुरा है असल जिंदगी में नहीं है, हो सकता है इसके लिए आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, और ओवर थिंक इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपके पार्टनर जैसे बिहेव कर रहे हैं ये इसको आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो पूरी तरीके से। आपके पार्टनर कभी हाँ कभी ना, और इनके हैप्पीनेस के ऊपर आपके हैप्पीनेस है, तो इसीलिए काफी हद तक आप रो भी रहे हो और आप को समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, सिंपली गो विद द फ्लो भी आप नहीं जा पा रहे हो क्योंकि रातों का नींद खराब हो रहा है, बहुत बुरे सपने आ रहे हैं, या फिर मैं देख रहा हूँ कि रीडिंग भी देख रहे हो कोई नेगेटिव रीडिंग भी मिल रहा है तो अच्छा भी नहीं लग रहा है कुछ चीज, आपको बहुत लैथर्जिक महसूस हो रहे हैं, और इसका कारण है आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ऊट पटांग सोच रहे हैं, एक बार वो सोच रहे हैं आपके साथ आएंगे, एक बार वो सोच रहे हैं कि आपके साथ नहीं आएंगे, तो काइंड ऑफ ये आपको होल्ड करके रखा है, हैंग करके रखा है, और इंट्यूटिवली कनेक्टेड हो यस, क्योंकि आपको मान लो इसका सपना देखे हो, या फिर मान लो सॉन्ग्स कोई भी सॉन्ग सुन रहे हो उसका नेक्स्ट सॉन्ग ऐसा आ रहा है जैसे कि मान लो आपके पार्टनर ही वो मैसेज को भेज रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि रास्ते में आप जा रहे हो और आपको आपके पार्टनर जैसे ही सेम पर्सन आपको दिख जा रहा है, ऐसा हो सकता है कि आप मान लो कि आपके पार्टनर का नाम चारों तरफ सुन रहे हो, या फिर कोइंसिडेंटली आपके पार्टनर के नाम से किसी और कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को पुकार रहे, काइंड ऑफ आपको साइन मिल रहा है, रिमाइंडर्स मिल रहा है आपको क्योंकि आपके पार्टनर आपसे आपके करीब आ रहे हैं इसीलिए। इसके बाद आता है थ्री ऑफ कप्स, देख लीजिए रियूनियन के कार्ड, जरूर रियूनियन होगा, रिकंसिलिएशन होगा, यहाँ पे थर्ड पार्टी रिमूवल हो रहा है, किसी का एक्स, किसी के लिए एक्स वाइफ, किसी के लिए उनके जो डिवोर्स पार्टनर है, तो वो पास्ट को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, या फिर मैं आंसू देख रहा हूं, तो हो सकता है आज आप बहुत रोए हो, या फिर हो सकता है आप और आपके पार्टनर एक फाइट हुआ था उसके बाद आप लोग एक साथ हो जाओगे, हो सकता है आपके पार्टनर के मम्मी शायद आपको एक्सेप्ट नहीं किए थे पहली बार, उसके बाद ये फाइनली आपको एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो एक हैप्पी एंडिंग होने वाले है, एक बहुत अच्छा हैप्पी रियूनियन होने वाले है आपके पार्टनर करेंगे। उसके बाद एस ऑफ शोर्ड्स, कम्युनिकेशंस, जिन लोगों आप दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशंस का गैप हो रहा था या फिर कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे थे आपके पार्टनर, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करेंगे बहुत जल्दी, और मेरे ख्याल से आप दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशंस गैप था, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर शायद दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर कभी भी आपको समझते ही नहीं है, या फिर आपको आपके साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करते, तो ये इस तरीके का कम्युनिकेशंस गैप खत्म हो जा रहा है। ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि आपके पार्टनर कमिटमेंट देंगे, एक्शन लेंगे, और आप सही राह पे हो, ये पर्सन के साथ फ्यूचर में दिख सकता है, मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी कार्ड से पूछूंगा क्या इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है। डेफिनेटली हैंगमैन, जो सिचुएशंस अभी है, अभी तो शायद आप लटक रहे हो, और लटक इसीलिए रहे हो क्योंकि आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी भी नहीं दे रहा है और आपको कुछ क्लैरिटी नहीं भी मिल रहा है, बट यहाँ पे आपको क्या क्या सोचना है कि आपके मैनिफेस्टेशंस काम कर रहे हैं, आपके ऊपर अल्लाह का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, माँ काली का आशीर्वाद है, तो जो खराब सिचुएशन से आप जा रहे हो ये सिचुएशंस बदल जाएंगे। जिन लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप पे हो ये रिलेशनशिप एक बहुत पुख्ता रिलेशनशिप पे बदल जाएगा, जो लोग अभी भी उलझे हुए हो तो आप लोग सुलझाओ, मतलब ये रिलेशनशिप सुलझ जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि लेट होगा बट होगा जरूर, ये दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ ये एक लाइफ चेंजिंग रिलेशनशिप रहेगा, परमानेंट रिलेशनशिप रहेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करता हूँ, अगर रीडिंग अच्छा लगा तो आप लिख दीजिए कि आई क्लेम दिस लव रीडिंग, मैं इस लव रीडिंग को क्लेम करता हूँ, आई मीन लव रीडिंग के क्लेम कर ची, प्लीज सब्सक्राइब।